छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम पंचायत के सरपंच के पुत्र को मरवाने के लिए 10 लाख की सुपारी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के महिला उपसरपंच सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सुपारी लेने वाले वेब चैनल के पत्रकार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हसौद पुलिस ने शिकायतकर्ता विजय चंद्रा की शिकायत पर हत्या के षड्यंत्र का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने सुपारी किलर से एडवांस के तौर पर लिए गए 5 लाख रुपयों में से 2,40,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शिकायतकर्ता विजय चंद्रा के पिता भगवान लाल चंद्रा सरपंच पद पर विजयी हुए थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि वर्तमान सरपंच के पुत्र विजय चंद्रा के खिलाफ हत्या की सुपारी देने वाले आरोपी राजकुमारी चंद्रा वर्तमान में गाँव के उप सरपंच है। वहीं उनके परिजन को सरपंच पद पर हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के दौरान भी आरोपियों द्वारा मतदान दल और पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें सभी को आरोपी बनाया गया था। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ग्राम भातमहुल के सरपंच भगवान लाल चंद्रा के पुत्र विजय कुमार चंद्रा प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जांजगीर के पास प्रस्तुत किया गया था। प्रथम दृष्टया सुपारी किलिंग का मामला था, जिसमें पुरानी चुनाव में सरपंच पद पर हार जाने के रंजिश को लेकर ग्राम भातमहुल के विरोधी पक्ष के द्वारा ग्राम मलदा के शूटर विजय रणधीर कश्यप को 10 लाख में डील किया गया था जान सहित मारने के लिए और सुपारी दिया गया था, जिसका एडवांस पैसा 2,40,000 रुपये दिया गया था। प्रथम दृष्टया मामला 120B 387 115 34 भादवी का अपराध घटित होने पर थाना हसौद में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान ग्राम भातमहुल के रणधीर कश्यप को सुपारी देने के लिए सुपारी 10 लाख रुपए में डील करने वाले आरोपी सुरेश चंद्रा, राजकुमारी चंद्रा, सुशीला यादव, श्यामलाल चंद्रा, शोभित चंद्रा, गोविंद चंद्रा, केशव चंद्रा, भरत चंद्रा, सभी निवासी भातमहुल, सभी मिलकर अपराध को घटित करना पाया गया है, जिसमें आरोपी से 2,40,000 रुपए एवं मोबाइल की जब्ती की गई है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक